सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग पहले से काफी चौकन्ना हो गया है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब शहर में चल रही नॉन वेज की दुकानें जो नियमानुसार नहीं चल रही हैं, उन्हें नोटिस दिए गए हैं। साथ में कई दुकानों के चालान भी किए गए हैं। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त LG ठाकुर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जो भी दुकानदार नॉन वेज बेच रहा है, अगर नियमों की पालना नहीं करेगा उसके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और किसी भी हालत में सोलन वासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि नॉन वेज की दुकानों में कोई भी दुकानदार जिंदा पक्षी नहीं रख सकता है। अगर वह रखता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नॉन वेज बेचने वाली दुकानों की ऊंचाई कम से कम 3 मीटर होनी अनिवार्य है। दुकानों पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों का जब तक मेडिकल नहीं करवाया जाएगा उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे अभी तक 25 दुकानों का चालान कर चुके हैं। कुछ दिन पहले नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों को 2 लाख का जुर्माना लगाया गया था जिसका मामला अभी लंबित पड़ा है। उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार नियमों की पालना नहीं करेगा उसका लाइसेंस दोबारा रिन्यू नहीं किया जाएगा। मीट शॉप्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में मीट शॉप्स को अलग से जो कंडीशंस है शेड्यूल 4 में उसमें अलग से कंडीशंस है कि कोई भी मीट विक्रेता मीट शॉप को किस ढंग से चलाएगा, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए। तो मेनली तो जो सबसे बड़ी वायलेशन है कि एक्ट में प्रोविज़न है कि कोई भी जिंदा पक्षी जो वो मुर्गे रखते हैं वो ना तो दुकान के अंदर रख सकते हैं ना ही दुकान के बाहर रख सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी जो मीट वाला है वो अपनी दुकान में स्लैटरिंग नहीं कर सकता है, चाहे वो स्मॉल एनिमल हो बर्ड हो, उसको वो स्लैटर हाउस से ही काट के लाना पड़ेगा। अथोराइज्ड स्लैटर हाउस से ही अगर कोई लाएगा तो वही अथोराइज्ड मीट वो बेच सकता है। यहाँ जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं वो दुकान में रखते हैं और वहीं काटते हैं। तो ऐसे जो भी मीट बेचने वाले हैं हम उनको रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं दे रहे हैं जब तक कि वो जो एक्ट में प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल नहीं करते। और एक्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि जो जो भी सारे कंडीशन है जिस तरह से उसके कटिंग टूल्स वो जैसे लोहे के नहीं जिसमें जंग लगा हो वैसे नहीं होने चाहिए, उसके पास पेस्ट कंट्रोल का प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें गर्म पानी ठंडा पानी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें जैसे मीट पेरिशेबल आइटम है तो पेरिशेबल आइटम को स्टोर करने के लिए उसके पास फ्रिज होना चाहिए, मीट शॉप की हाइट 3 मीटर और जिसमें AC लगा हुआ है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं जो वर्कर है उनका मेडिकली वो फिट होने चाहिए, इस तरह की जो सारी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हम उनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं। और कोई 20-25 अभी अभी रिसेंटली हमने ऐसे लोगों के चलान किए हैं और इससे पहले भी हमने पुलिस को दुकानें बंद करने के लिए लेटर लिख दिया था और 7 कंप्लेंट्स अभी हमने ADM कोर्ट में लॉन्च कर दी है और 15-20 जो चलान है वो अंडर प्रोसेस है और जल्दी हम उनका भी चलान ADM कोर्ट में पेश कर देंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो भी वायलेशन करता हुआ पाया जाता है हम उसका केस बना के ADM कोर्ट में एडजुकेशन के लिए लगाते हैं। ADM कोर्ट से उसको जो भी सेक्शन 49 के प्रोविजंस है उनको देखते हुए जो भी फाइन लगता है वो फाइन जब लग जाता है, अभी रिसेंटली हमने कोटला नाला में एक दुकान थी पीछे उसको 2 लाख रुपए फाइन हुआ तो अभी वो सेशन कोर्ट में केस पेंडिंग है, वो उसने अपील की है तो सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरह से 7 नए केस अभी हमने ADM कोर्ट में लगाए हैं वो पेंडिंग चले हुए, इससे पहले भी केस टाइम टू टाइम डिसाइड हो जाते हैं। अभी मैंने कहा कि 25-30 केस हमारे पास सैंक्शन के लिए हैं तो जैसे ही हम उनको सैंक्शन दे देंगे प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ADM कोर्ट में चल पड़ेंगे केसेस।